हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दिन है आज मंगलवार का और सुबह का वक्त हो रहा है और वो बस अभी गए हैं ऑफिस और मैं लग चुकी हूँ अपने घर के कामों में। और सबसे पहले मैं इस वाले कमरे की साफ़ सफाई करूँगी और जो कपड़े बेडशीट वगैरह वो सारी मैंने तय बना के डाल दी है पलंग में। और आज मैं करूँगी डीप क्लीनिंग घर की, क्योंकि बच्चों ने टाइल्स भी गंदी कर रखी है। मार्कर वगैरह से बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो लिख देते हैं टाइल्स पे, तो टाइल्स भी गंदी हो रही हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, सर्फ़ वगैरह से साफ़ कर दूँगी मैं इनको। और चलिए लग जाते हैं अपने कामों में। और आज का मैं अपना रूटीन दिखाऊँगी आपको सुबह का कि आज का मेरा क्या रूटीन है। और थोड़ा बहुत रोज़ अलग रहता है, कभी काम ज़्यादा होता है कभी काम कम होता है, तो आज का काम मेरा कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए लग जाते हैं अपने घर के काम में। चल रहा है और आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने देखिए टाइल्स वगैरह पे लिख रखा है यहाँ पर और इधर भी लिख रखा है और उस वाले कमरे में भी लिख रखा था। वो कमरा तो मैं साफ़ करके आ गई हूँ, अब बस इस कमरे की बारी और है, इसको और साफ़ कर देती हूँ। और ये कपड़ा मैंने हाथ में ले रखा है सर्फ वाला, और ये टाइल्स में मारूंगी तो टाइल्स एकदम चमक जाएंगी इससे। तो चलिए ये कमरा और साफ़ कर लेती हूँ, फिर चलूँगी मैं हॉल में। और देखिए ये वाला कमरा दिखा देती हूँ, ये वाला कमरा मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़, और इसकी टाइल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। मशीन पे भी मार्कर से लिख रखा था बच्चों ने, वो भी साफ़ कर दी है मैंने। और टाइल्स यहाँ की साफ़ हो गई हैं, बस झाड़ू लगानी रह गई है अभी मेरी। और सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और वो भी चले गए हैं ऑफिस। यहाँ पर बनाई है मैंने चाय, क्योंकि आशा दीदी की मम्मी आई हुई है। तो चलिए मम्मी के कमरे में बैठी हुई हैं, तो आपको भी मिलवाती हूँ। तुम्हारे लिए तुमने लोगे चाय? नहीं। तो दोस्तों दोपहर का बज रहा है 1 और लंच भी तैयार हो गया है। और लंच में मैंने बनाए हैं पीले मसाले वाले चावल, आलू डाल के बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मम्मी को ही दियाती हूँ, और इसके साथ है अचार, और इसके साथ मिर्ची का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा मिर्ची का अचार, डाल के दे देती हूँ मम्मी को। ये दोस्तों मम्मी को दे दिया है खाना, और यहाँ चला रखे मम्मी ने गाने। क्या कम करने इसमें दोनों का। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 और अभी बस चाय नहीं पी है, और दोपहर को काम वगैरह करके थोड़ी देर लेट गए थे। और ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, क्या खेल रहे हैं यहाँ पर? छुपन छुपाई खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पर। और गुड्डू मम्मी के कमरे में जाके छुपक रहा है, और गुड्डू चिंटू दे रहा है डाइन, और शहरी यहाँ पर छुपकेगी। कहाँ गई? वो अंदर वाले कमरे में गई है, और अब चिंटू ढूंढेगा कहाँ छुपी नहीं है। शहरी दे रही है डाइन और चिंटू छुपकेगा। चिंटू छुपक जा, जल्दी छुपक जल्दी। हाँ छुपकेगा। छुपकने आए यहाँ पे। आप बाहर क्यों आ गया?
गड़ाया। अभी आइए छुपकने। ये उसको देखो, छुप गई, छुप गई, देख ले कहाँ है। और दोस्तों शहरी और मैं दोनों जा रहे हैं बाहर, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं टेलर पे, तो मैं कपड़े लेने जा रही हूँ और मैं शहरी को भी लेके जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर। और मैंने कपड़े डाल रखे थे सिलने के लिए टेलर के, तो वो मेरे कपड़े सिल चुके हैं और उनका फ़ोन आया था कि कपड़े आके ले जाओ, सिल गए हैं आपके कपड़े। तो शहरी और मैं वहीं जा रहे हैं और यहाँ पे पकोड़े की दुकान भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबू उड़ रही है पकोड़ों की। और हम आगे जाके देखा हमने तो यहाँ पर रास्ता बंद हो रखा है, शायद यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह डल रही है। तो फिर हम वापस आ गए शहरी और मैं भी ऑफिस से आ गए हैं और हम पी रहे हैं शाम की चाय। और आइए और आप भी हमारे साथ शाम की चाय पीजिए। और हमने कुछ ऑर्डर कर रखा था अपने फ़ोन के लिए, तो ये फ़ोन का कवर ऑर्डर किया था गुड्डू ने, तो ये आ गया है। पहले ऑर्डर करा था तो वो छोटा आ गया था, अब इसको लगा के देखेंगे ये कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। मम्मी ये देखो, वाओ कितना सुंदर है। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर कवर है फोन का, मेरे को तो बहुत पसंद आया। मेरे को तो बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। वैसे मैंने अब देखा है, मैंने पहले देखा नहीं था, गुड्डू ने अपने आप ही ऑर्डर करा, तो देखिए गुड्डू की पसंद कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा फोन। और देखिए खाना बन चुका है, और खाने में आज हमने बनाया है आलू के पराठे हैं और आलू की सब्जी है। और ये रे इसमें कुछ सिंपल पराठे हैं और कुछ आलू के पराठे हैं और बाकी ये आलू की सब्जी है। तो गुड्डू खा रहा है यहाँ पर खाना और गुड्डू बताएगा आपको, टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है, क्योंकि गुड्डू को पसंद है आलू के पराठे, है ना गुड्डू, गुड्डू की पसंद पे आलू के पराठे बने हैं। तो गुड्डू बताएगा आपको कैसा बना है। हाँ अच्छे हैं। और तारक मेहता लगा रखा है यहाँ पर और खाना खा रहा है ये। तो गाइस अभी बज रहे रात के 10 और मम्मा ने आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनाए थे, पर खाने तो दाल चावल थे, पर ऐसे रोज रोज तो दाल दाल खाना ठीक नहीं होता, वैसे खा तो सकते हैं। वैसे मैंने परसों तरसों भी दाल चावल ही खाए थे, मम्मा ने मेरे को बहुत ज़्यादा चॉइसेस दी थी, तो पर मेरे को आलू पराठे ठीक लगे तो मैंने आलू पराठे ही बोल दिया। तो गाइस अब कर देते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अच्छी से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।